हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बनाएंगे स्प्राउट मूंग। स्प्राउट मूंग कैसे बनाते हैं, इसके लिए हमको चाहिए साबुत मूंग, जितना भी आप चाहिए चाहें, 1 कप, आधा कप, ये मैंने आधा कप ली है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। और इसको कम से कम 12 से 15 घंटे के लिए इसको पानी में भिगो करके रख देंगे, जिससे कि ये साबुत मूंग फूल जाएगी। ये करीब 16 घंटे बाद इस तरह से ये फूल चुकी है। अब हम इसको स्प्राउट्स इस पे बनाने के लिए, या तो हम कोई कपड़ा ले सकते हैं कि किसी कपड़े में बांध करके रख दें, या हम जो स्प्राउट मेकर आते हैं बनाने के लिए बाजार में, इस तरीके की छन्नी टाइप से या प्लास्टिक के भी आते हैं, आप वो ले सकते हो, कोई भी ले सकते हैं। इसमें इस तरीके से बाउल को रख करके, बाउल में से जितनी भी हमारी मूंग है, सारी मूंग को हम इसमें डाल देंगे। और फिर इसको ढक करके करीब करीब 24 घंटे के लिए इसको रख देंगे। इस तरीके से इसका पानी को है जो वो फेंक देंगे। इस तरीके से इसको फेंक पे रख देंगे 24 घंटे के लिए, जैसे कि इसमें से स्प्राउट खिलने शुरू हो जाए। 24 घंटे बीत चुके हैं। 24 घंटे के बाद आप देखिए इसमें स्प्राउट्स आ गए हैं छोटे छोटे, ये देख सकते हैं इस तरीके से। और अगर इससे बड़े स्प्राउट्स करने हैं तो इसको फिर से 24 घंटे के लिए हम रख देंगे ढक करके। इस पे 2-4 बूंदे पानी की डालते रहेंगे बीच बीच में। मैंने ये 24 घंटे के लिए फिर से रख दिए थे। अभी इसमें ये स्प्राउट्स और भी बड़े हो गए हैं, आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये स्प्राउट्स तैयार हो जाते हैं। ये हमारी स्प्राउट मूंग तैयार है। जो स्प्राउट्स, मूंग स्प्राउट्स हमने बनाए थे, उनको मैंने एक छलनी में करके अच्छे से नल के नीचे धो लिया। एक कढ़ाई में स्प्राउट्स डाल दिए। अब इसमें हम डालेंगे पानी। 1 कप पानी डालेंगे, 1 से 1.5 कप के करीब। और इसमें डालेंगे नमक, वन फोर्थ टीस्पून से भी कम हल्दी, बिल्कुल 1/4 टीस्पून की भी हाफ हल्दी डालेंगे। और 1/2 टीस्पून चीनी डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स कर दिया। अब इसको ढक करके पकाएंगे। अब ये सॉफ्ट हो चुकी है। अगर इसमें पानी रह जाए तो इसको थोड़ा सा तेज गैस पे रख देंगे, अगर नहीं है तो फिर इसको बाउल में निकाल लेंगे। ये स्प्राउट मूंग तैयार हो चुकी है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। स्प्राउट्स तैयार हैं। आप ये किसी के साथ भी ले सकते हैं, स्नैक्स में चाट बना करके, या चाट वगैरह में, या इसका सलाद भी बना सकते हैं। थैंक यू।